हाय, वेलकम टू फेथ हीलर्स इंडिया आई एम गीता शर्मा रेकी ग्रैंड मास्टर और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रेकी टैरो न्यूमरोलॉजी फेस रीडिंग एंजल हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस। अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और इसमें एट अगस्त को ट्रिपल एट का पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है अब पोर्टल क्या है वॉट इज एक्टिवेशन ऑफ द पोर्टल सो हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं कितने नक्षत्र हैं यूनिवर्स में कितनी ही एनर्जीज हैं जो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं कुछ चेंजेस आते रहते हैं यूनिवर्स में एनर्जी लेवल अब ये जो चेंज है दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चेंज एज अमेन बस आपको समझाती हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज है जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एग्जैक्टली है क्या उसमें आपके लिए अभी बैठे हुई हुई मैं कुछ नोट कर रही थी सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू सो इसमें हमें क्या करना है तो इस ट्रिपल एट पोर्टल पे हो क्या रहा है मैं देखी में हमेशा बात करती हूं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर ऑफ एनर्जीज ऑफ योर और टू द कॉस्मिक एनर्जीज मीन्स ये आपकी एनर्जी है ये यूनिवर्स की एनर्जी है अब जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो यूनिवर्स की एनर्जी आती है और साइड से निकल जाती है या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव होता है कि यूनिवर्स की एनर्जीज आके क्लैश हो जाती हैं तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े मेजर हर्डल्स और ऐसे सेटबैक्स आते हैं लेकिन सिंक्रोनाइजेशन ये है यूनिवर्स में हर चीज अबंडेंस में है आप भी रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हो यूनिवर्स भी आपको देने के लिए रेडी है सो so मीन्स आप एक हामिनी में यूनिवर्स के साथ सिंक करते हो लाइक दिस राइट जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स आपके लिए सो दैट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर एनर्जी टू द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स तो ट्रिपल एट पोर्टल वो पॉइंट है वो टाइम है वो डेज हैं जहां पर आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाएंगी सो इस दिन पे आपको क्या करना है कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चाहे आप रेकिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निक यूज करना चाहते हैं क्रिस्टल्स से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशन है कोई क्रिस्टल्स प्रोग्राम करना चाहते हैं अपनी टैरो डेक प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर आप अपना नया विशवाक्स क्रिएट करना चाहते हैं दिस इज द वेरी गुड टाइम टू क्रिएट दैट अब ट्रिपल एट है क्या एट ऑफ ऑगस्ट टू जीरो टू फोर टू जीरो टू फोर का टोटल भी है एट सो दैट्स वे दिस इज ट्रिपल एट अब एट जो है वो नंबर है वो रिलेटेड किससे है हार्डवर्क से जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है वो ये चीज समझ पा रहे हैं कि सैटर्न क्या करता है हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस देता है और ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग uh, एफर्ट्स को हमेशा रिपे करता है तो ये वो टाइम है जब आप विद इन दीज एट डेज जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इसमें करना क्या है सबसे पहले आपको अपनी कुछ इंटेंशंस डिसाइड कर लेनी है कि दिस इज़ द गोल आई वॉन्ट टू अचीव अपनी एफर्मेशन डिसाइड करिए अपने क्रिस्टल्स को रेडी कर लीजिए सॉल्ट वाटर से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्रिस्टल हीलिंग में या फिर अपना विश बॉक्स के लिए जो भी विशेज हैं वो रेडी कर लीजिए सब कुछ रेडी करने के बाद नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू राइट यू जनरल कोई भी एफर्मेशन डायरी जैसे ये डायरी एक है मेरे पास ऐसी कोई डायरी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस डे से उसमें अपनी एफर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं एनी टू टू थ्री मे बी वन वॉट यू विश फॉर या फिर अपने क्रिस्टल्स ले सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए कोई बहुत मेजर क्रिस्टल है जो आपने फॉर एग्जांपल रोज़ की क्वार्ट्स बॉल है वो आप रिलेशनशिप के लिए एनर्जाइज करना चाहते हैं एट डेज़ के लिए कंटिन्यूसली आपको उसे प्रोग्रामिंग देनी है ठीक है बच्चों के स्टडी टेबल के लिए एमथिस अगर करना चाह रहे हैं तो ऐट डेज़ के लिए पूरा प्रोग्राम आपको करना है ठीक है डिसाइड करने के बाद एट अगस्त को किसी भी दिन हो सके मॉर्निंग आफ्टरनून दो से चार बजे के बीच में ना करें तो ज़्यादा बेटर है फोर ऑनवर्ड्स फोर पी एम ऑन या बारह बजे से पहले पहले ये सब चीज़ें आप करें सामान रेडी करने के बाद अपना कोई भी एक आसन आप एक जगह पर ले लेंगे बैठ जाएंगे और उसके बाद अपना वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जर्नल में आपने अफर्मेशन लिख ली या विश बॉक्स स्टार्ट कर लिया क्रिएट कर लिया नाउ यू मेडिटेट ठीक है मेडिटेशन में कोई टेक्निक आपको मेरी आती है वो कर सकते हैं जनरल अपना मेडिटेशन कर सकते हैं जिस स्लिप पे या जिस डायरी पे आपने वो लिखी है उस डायरी को हाथ में होल्ड करके मेडिटेट कर सकते हैं जिस क्रिस्टल को आप एनर्जाइज करना चाहते हैं उसको अपर्मेशन रेकी की सिंबल्स के साथ होल्ड करके आप मेडिटेट कर सकते हैं या फिर विश बॉक्स क्रिएट करते हैं तो उस विश बॉक्स को एनर्जाइज करके मेडिटेशन मेडिटेशन में जो भी आपने विश लिखी है उससे रिलेटेड आपको करना है विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन में आपको वो सब चीज़ें होते हुए देखनी है कि ये हो गया है आप बंद करके आराम से 15 मिनट्स 20 मिनट 30 मिनट्स ये आप डिसाइड करेंगे जितने मिनट्स आप ये डिसाइड करेंगे हो सके तो सेम टाइम पे हो सके तो सेम ड्यूरेशन के साथ भी सपोज़ आज मैंने ये 20 मिनट्स के लिए किया 6 पीएम के टाइम पे तो कल भी मैं ये 20 मिनट्स के लिए 6 पीएम पे ही करूँगी कंटिन्यूअसली फॉर एट डेज आपको करना है साधना क्या होती है जब भी आप किसी भी चीज़ का संकल्प लेके और उसके रिचुअल्स को कंटीन्यूसली सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन के लिए करते हैं उसकी पावर टेन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है इतना डिफरेंस आता है उसके बाद आपको करना क्या है ये सब जब हो गया देन यू आर गोइंग टू पे ग्रैटिट्यूड जो ऑलरेडी आपके पास चीजें हैं उसके लिए और जो आपने विश लिखी है वो उसके लिए भी पहले से ही ग्रैटिट्यूड पे करना है दैट आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर दैट आई हैव रिसीव दिस ये करने के बाद आपको लास्ट में करनी है ग्राउंडिंग अपने मदर अर्थ को आपने थैंक्स करना है ग्राउंडिंग के बाद आपका द चॉबिस डन ये कंटिन्यूसली आपको एट्थ अगस्त से स्टार्ट करके एट डेज तक फॉलो करना है मीन्स एट्थ को स्टार्ट होगा एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अगस्त को ये एंड हो जाएगा तो so, कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जस्ट डू ट्राई दिस टेक्निक इट्स गोइंग टू बी रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ यू सो so, अगर आपकी कोई विश या डिज़ायर फुलफिल होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए दैट कैन बी अ मोटिवेशन टू एवरीबडी जो लोग भी एक दूसरे से मोटिवेट आप भी उनकी मोटिवेशन का पार्ट बनेंगे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सो प्लीज़ डो नॉट फोर्गेट टू कमेंट थैंक यू सो मच एंड सी यू आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपकी ये विशेज फुलफिल हुई हैं थैंक यू